रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ चाट बना रही हूँ, लेकिन बहुत स्पेशल हेल्दी चाट बना रही हूँ। और रमज़ान का महीना है तो इसके लिए मैंने कहा बहुत अच्छी सी चाट बनाऊँ मैं। तो मैंने एक कप लोबिया बॉयल लिया है, एक कप, और ना एक बड़ा आलू लेके उसको भी बॉईल कर लिया है, और एक कप भर के मैंने ये वाइट वाले चने लिए हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी ये इमली की चटनी जो मैंने अभी अभी बनाई है। इसमें सिर्फ मैंने इमली का पल्प लिया था हाफ कप, और गुड़ डाला था मैंने एक खाने का चम्मच भर के, और इसमें मैंने डाला था काला नमक थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक डाला था, और इसके अंदर मैंने सौंठ डाली थी। ये चीज़ें डाल के मैंने चटनी को पका दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी, इसमें मैंने ये स्पेगेटी बॉईल करके, ये भी स्पेगेटी भी इसमें डलेगी। इसमें 1 टीस्पून हमारे भर के मैं ये कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। ये मैंने भूनी है, भून के डाली है मैंने, कच्ची मिर्चें नहीं डाली हैं। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, जो सब मज़े का लगता है चाट के अंदर। इसमें एक प्याज इन्हें लेके इसको इस तरह काटे, आपकी मर्ज़ी आप चॉप कर लें, इस तरीके से मैंने इस तरीके से काटी है। इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के, और ये बड़ा सा टमाटर लेके मैंने एक बड़ा टमाटर तो एक ले लिया, अगर छोटा हो तो फिर 2 ले लें आप। ये मैंने डाल दिया। अब इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी ये हरा धनिया और पुदीना है, सिर्फ हरा धनिया और पुदीना, इसको मैंने कूट लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से निकले। इसमें 1 टेबल स्पून मैं नींबू का रस डालूँगी। अब इन चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून मैं ये वाइट वाला नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये मैं 1/4 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ, मैंने चटनी में भी डाला है तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है काला नमक। ये जो मैंने चिल्ली गार्लिक केचप बनाया था, ये इसमें जाएगा तकरीबन ये वाला चम्मच मैंने भर के डाला है, ये इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। चले अब हमारा ना चाट तैयार हो गई, अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं। मैं हमारी चाट तैयार हो गई। अगर आप लोगों को मेरी चाट की ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आखिर में आप लोग ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों का मेरा दस्तरखान अल्लाह ताला हमेशा भरा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।